मध्य प्रदेश को यह किसकी लगी है नजर? इंदौर के बाद अब खंडवा में भी हुआ गोलीकांड, अज्ञात हमलावरों ने खाकी पर ही चला दी गोली। मालवा मिरर न्यूज के लिए राजेश जौहरी की खबर। अभी तक तो प्रदेश में व्यापारियों और आम आदमियों पर ही हमले हो रहे थे, पर मंगलवार की शाम को तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने उस खाकी पर ही हमला कर दिया जिसके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक रहे और सिर्फ कानून का ही राज हो। दरअसल पूर्व में एटीएस में पदस्थ तथा वर्तमान में बुरहानपुर अजाक थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल को खंडवा के पास राजूर गांव में उस समय नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी जब वे अपने बेटे की शादी के कार्ड बांट रहे थे। अग्रवाल कार्ड बांटने के लिए गांव-गांव जा रहे थे और घटना से कुछ देर पहले ही एक ढाबे पर से खाना खाकर निकले थे। दो नकाबपोश हमलावर एक बाइक पर आए और अग्रवाल पर गोली चला दी जो उनकी कमर में लगी। एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि अग्रवाल पर यह दूसरा हमला है, इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था जब वे एटीएस में थे।